नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र धांधली मामले में एसआईटी गठित। बिहार सरकार 4000 लोगों को देगी नौकरी। औरंगाबाद की खुशी और गया के ऋषि भारतीय वॉलीबॉल टीम के लिए चयनित। साइबर ठगी को लेकर किया गया अलर्ट। क्रिकेटर ब्रायन लारा ने इंडियन क्रिकेट टीम को दिया खास सुझाव। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र धांधली मामले में एसआईटी गठित। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र धांधली मामले में पटना पुलिस ने एसआईटी गठित की है। सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में गठित एसआईटी में 2 डीएसपी रैंक के ऑफिसर, 6 इंस्पेक्टर और तकनीकी सेल के पुलिसकर्मी को शामिल किया गया है। वहीं शास्त्री नगर थाने में इस मामले में केस दर्ज हो चुका है और इस केस के दारोगा टीएन सिंह बनाए गए हैं। डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा के अनुसार पुलिस एक एक करके गिरफ्तार आरोपितों को रिमांड पर लेगी और उनसे पूरे मामले की पूछताछ करेगी। पुलिस उस छात्र से भी पूछताछ करेगी जिसके द्वारा एक रात पहले ही प्रश्न पत्र मिलने का दावा किया गया और पुलिस इस मामले में मास्टरमाइंड सहित अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पीएफआई के सदस्यों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। पीएफआई के सदस्यों की जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने मंजर आलम के साथ अन्य 4 आरोपियों की ओर से दायर की गई आपराधिक अपीलों पर सुनवाई की और उसके बाद उसे खारिज कर दिया। खंडपीठ ने इस बात को स्वीकार किया कि एनआईए ने इस घटना पर पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए हैं। आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में बंद इस साजिश कांड के 2 मुख्य अभियुक्त मोहम्मद जलालुद्दीन और अतरहर परवेज के खिलाफ एजेंसी ने आरोप पत्र दाखिल किया था और उसके हवाले से कई सबूत का जिक्र कोर्ट की ओर से फैसले में किया गया है। बिहार सरकार 4000 लोगों को देगी नौकरी। बिहार सरकार के द्वारा करीब 4000 लोगों को नौकरी दी जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग में इसकी तैयारी की जा रही है। बताया जाता है कि जुलाई में बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसके तहत अभियंता प्रमुख से लेकर सहायकों तक की बहाली होने जा रही है। आपको बता दें कि साल 2023 के दिसंबर महीने में ही इसकी मंजूरी दी गई थी और अब इन पदों पर बहाली के लिए वित्तीय प्रबंधन का इंतजाम करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसमें ग्रामीण सड़क पुल का निर्माण और मेंटेनेंस का काम शामिल है। 10 मई से शुरू होगा वोटर जागरूकता लीग। 10 मई से वोटर जागरूकता लीग शुरू होने जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए 85 टीमों ने अब तक अपनी सहमति दे दी है। घाट संख्या 93 पर नवनिर्मित मैदान में मैचों का आयोजन किया जाएगा। इस घाट को 37 लाइट टावर से जगमग कर दिया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बच्चों की टीम को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके सफल हो जाने के बाद टीमों की संख्या 88 तक जा सकती है। इसमें सभी 75 वार्डो की एक एक टीम और सभी 6 अंचलों की एक टीम होगी। पिच से 45 मीटर की दूरी पर हर तरफ बाउंड्री बनाई जाएगी। आपको बता दें कि हर मैच 10 ओवर का होगा। पुलिस ने लाखों की कीमत की नकली किताबों को किया जब्त। नवादा जिले की नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारतीय भवन कंपनी की नकली किताबों को बरामद किया। इन किताबों की अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बुक पब्लिशर्स के द्वारा फर्जी वारंट से संबंधित शिकायत करने के बाद उनसे जुड़ी हुई डिटेक्टिव एजेंसी टैक्स इंडिया एडवर्जिंग रिस्क के लीगल एडवाइजर फरमान पटना पहुंचे। जानकारी के अनुसार इन किताबों को गलत तरीके से नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया, जहानाबाद आदि जिलों में भेजा जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2500 नकली किताबों को जब्त किया लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। साइबर ठगी को लेकर किया गया अलर्ट। साइबर ठगी को लेकर लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। साइबर ठग ठगी का नया नया तरीका ढूंढकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। ये लोगों से लकी ड्रॉ, फर्जी पुलिस बनकर तो कभी पार्सल के माध्यम से या अलग अलग तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। बिहार आर्थिक अपराध इकाई की साइबर सेल टीम के द्वारा इसे लेकर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। साइबर सेल के एसपी वैभव शर्मा ने जागरूकता अभियान के तहत लोगों को अलर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि फेक कॉल को समझने की जरूरत है और पुलिस प्रशासन किसी भी हाल में पैसे की डिमांड नहीं कर सकती है। बिजली कंपनी के द्वारा बिल जमा करने को लेकर कॉल नहीं किया जाता है। संदेह होने पर 1930 नंबर पर कॉल करें। औरंगाबाद की खुशी और गया के ऋषि भारतीय वॉलीबॉल टीम के लिए चयनित।
बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली खुशी कुमारी और गया जिले के रहने वाले ऋषि भारतीय वॉलीबॉल टीम के लिए चयनित हो गए हैं। बताया जाता है कि 50 साल में पहली बार बिहार वॉलीबॉल में किसी महिला खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम के लिए किया गया है। खुशी का चयन एशियन गेम्स के लिए आयोजित भारतीय वुमेन्स वॉलीबॉल कैंप के लिए हुआ है। इधर गया के ऋषि लाल आजाद का चयन भी बेंगलुरु में होने वाले साई के नेशनल वॉलीबॉल कैंप के लिए किया गया है। शिक्षा विभाग के फर्जी बिल को बैंक ने पकड़ा। शिक्षा विभाग के फर्जी बिल को बैंक ने पकड़ा है। इसके बाद पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। इस मामले की जांच के लिए उन्होंने बैंक से सीसीटीवी फुटेज मंगवाया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विष्णुकांत राय ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज मंगवाया गया है और इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। फर्जी बिल में दस्तखत को लेकर शक हुआ। डीपीओ के दस्तखत पर शक होने के बाद बैंक के मैनेजर ने फोन करके डीपीओ से बातचीत की और इसके बाद ये बिल फर्जी निकला। अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम चाउना मिन पहुंचे बोधगया। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मिन बोधगया पहुंचे। यहां पर महाबोधि मंदिर के मुख्य भिक्षु चालिंदा, भिक्षु दीनानंद और भिक्षु मनोज ने गर्म जोशी से डिप्टी सीएम का स्वागत किया। इसके साथ ही बीटीएमसी के सचिव महाश्वेता महारथी ने उप मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। डिप्टी सीएम ने इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध के दर्शन किए, साथ ही उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। महाबोधि मंदिर के विजिटर बुक में उप मुख्यमंत्री ने लिखा है कि इसे फिर से देखने के लिए धन्य हूँ और मैंने भारतीयों और पूरे मानव जाति की शांति समृद्धि और प्रगति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। अनंत सिंह के जेल से निकलने के बाद अशोक महतो के लिए राजद ने इस नेता को किया सेट। चुनाव के बीच पूर्व विधायक अनंत सिंह 15 दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं। वो मुंगेर में एनडीए के प्रत्याशी ललन सिंह को अपना समर्थन दे रहे हैं और इसी बीच राजद ने भी अपना दांव खेला है। आरजेडी ने अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी के लिए एक चर्चित नेता को सेट किया है। राजद ने अशोक महतो के लिए मुकेश सहनी को आगे किया और इसके बाद मुकेश सहनी ने राजद के प्रत्याशी अनिता देवी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान मुकेश सहनी ने भाजपा पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को पटना में करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 मई को पटना में रोड शो है। इस दिन वो रात में राजभवन में रुकेंगे और उसके बाद वो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण में 13 मई को जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे और इसमें वो तीनों चरणों में हुए मतदान पर बूथ पर पोलिंग को लेकर समीक्षा करेंगे और सवाल भी करेंगे। आपको बता दें कि इसे लेकर बीजेपी ने 169 प्रमुख नेताओं की टीम का गठन किया। बताया जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना के आयकर गोलंबर से डाक बंगला चौराहा होते हुए कदम कुआं तक पहुंचेगा। रूट मैप में अभी फिलहाल बदलाव होने की संभावना है। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को लेकर कही ये बात। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा है कि जब तक आप समाज में सुधार नहीं लाएंगे, आपके बच्चे गुजरात और तमिलनाडु में जाकर मजदूरी करेंगे, फिर यहाँ के लोगों का भला कैसे होगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि दलितों के बाद सबसे गरीब, बदहाल, फतेहाल अगर बिहार में कोई है तो वो मुसलमान है, लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा है। 30-32 सालों में मुसलमानों ने राजद से कभी नहीं पूछा कि आपके नेता सड़क और ग्रामीण कार्य मंत्री रहे, फिर हमारे गांव में सड़क, नाली और गली क्यों नहीं बनी है। मुसलमान इन सारी परेशानियों के बावजूद लालटेन को वोट देते हैं। राजद प्रत्याशी बीमा भारती की गाड़ी में जेसीबी ने मारी टक्कर। पूर्णिया की लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी बीमा भारती सड़क हादसे में बाल बाल बच गई है। बताया जाता है कि बीमा भारती अपने गांव भिट्ठा से पूर्णिया जा रही थी और इसी दौरान भवानीपुर, रायपुरा, अकबरपुरा, कुशहा मुख्य मार्ग के कुशहा गांव में जेसीबी ने बीमा भारती की गाड़ी में टक्कर मार दी। इस मामले में बीमा भारती ने भवानीपुर थाना में आवेदन दिया है। बीमा भारती के द्वारा बताया गया है कि जेसीबी का चालक भाग रहा था, इस दौरान इसे पीछा करके पकड़ा गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने चालक और जेसीबी को थाना लेकर आई है और इस मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। लालू यादव के करीबी पर ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। पटना के बेऊर जेल में बंद कारोबारी और लालू यादव के करीबी सुभाष यादव समेत तीन के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। पटना में स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट को दाखिल किया गया। इस मामले में सुभाष यादव के बालू कारोबार का हिसाब किताब रखने वाले जितेंद्र कुमार सिंह
और ब्राइसनन कंपनी के निदेशक कृष्ण मोहन सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ किया गया और उसमें पटना, सारण, अरवल समेत बिहार के अन्य स्थानों पर गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। आपको बता दें कि राज्य में बालू के अवैध कारोबार के मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। क्रिकेटर ब्रायन लारा ने इंडियन क्रिकेट टीम को दिया खास सुझाव। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ब्रायन लारा ने दैनिक जागरण के साक्षात्कार में इंडियन क्रिकेट टीम को खास सुझाव दिया है। आपको बता दें कि ब्रायन लारा ने 2 सालों के बाद आईपीएल के वर्तमान सीजन में स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंटेटर के तौर पर वापसी की है। आईपीएल में पिछले साल 2 इंपैक्ट प्लेयर को लेकर उनका मानना है कि टीमों को एक के स्थान पर 2 इंपैक्ट प्लेयर उतारने का प्रावधान किया जाना चाहिए। ब्रायन लारा ने इंडियन क्रिकेट टीम को खास सुझाव देते हुए कहा है कि आगामी T20 वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाजी के क्रम में विराट कोहली को नंबर 4 और सूर्य कुमार यादव को तीसरे नंबर पर होना चाहिए, इससे वो मैच में विनर के रूप में खेल सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उनके जवाब बताएंगे जो पीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, कोविड के नए वेरिएंट का क्या नाम है? JN.1, फ्लॉट, KP.2, KP1.1। सही जवाब है फ्लॉट। हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? भारत, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है रूस। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 मई, 8 मई, 6 मई या 9 मई? सही जवाब है 8 मई। किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया है? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, सीरिया या पाकिस्तान? सही जवाब है पाकिस्तान। भारत में किस कंपनी के द्वारा अगस्त के महीने में स्वदेशी 4G सेवाएं शुरू की जाएगी? जियो, एयरटेल, BSNL या VI? इसका सही जवाब है BSNL। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गुनर शर्मा, नुन्नू गोलू कुमार, विपुल कुमार राज, राजकिशोर महतो, मोहम्मद शकीर हुसैन, सदुल्ला पालवी, उमेश ऋषिदेव, वेद प्रकाश सिंह, राजकुमार सिंह, बाबूलाल मरांडी, गुरिया देवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, तो आपके अनुसार पेपर लीक को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।